इस दुनिया में बेहद ही रहस्यमयी घटनाएं घटित होती रहती हैं। जहाँ पर कई घटनाएं बहुत ही सामान्य होती हैं, तो कई घटनाएं अधिक चौंका देने वाली भी होती हैं। आज हम आपको दुनिया की घटित कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक तर्क द्वारा भी सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर एक, लटकती हुई लाश। सन 1950 ईस्वी के आसपास कूपर नामक एक फैमिली ने एक पुराना घर खरीदा था। घर लेने की खुशी में फैमिली ने उस घर की पहली रात को एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उसी दौरान उस फैमिली के एक व्यक्ति ने अपने परिवार की एक फ़ोटो ली, जिसमें उस व्यक्ति के दोनों बच्चे अपनी माँ और दादी के गोद में बैठे हुए थे। लेकिन जब इस फोटो को डेवलप किया गया तो उसे देखने के बाद पूरे परिवार के होश उड़ गए और वे लोग काफ़ी डर गए। दरअसल फोटो में परिवार के साथ एक लटकती हुई लाश की आकृति भी दिखाई दे रही थी, जो बेहद खतरनाक और डरावनी थी। कूपर फैमिली का यह दावा था कि फोटो लेने के समय वहां पर उन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि निगेटिव के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, जिसके कारण यह लाश जैसी आकृति दिखाई दे रही है। लेकिन कूपर फैमिली ने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया। बाद में कई लोगों ने इस रहस्यमयी फोटोग्राफ की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर दो, हेसडालेन घाटी की रहस्यमयी रोशनियाँ। नॉर्वे के होल्टलैंड सिटी में हेसडालेन घाटी में आकाश में अधिकतर एक अजीब तरह की रोशनी को देखा गया है। ज़्यादातर यह रहस्यमयी रोशनी चमकदार सफ़ेद रंग या फिर पीले या फिर लाल रंग में घंटों तक दिखाई देती है। यह रोशनी कभी हल्की हवा में तैरती हुई दिखाई पड़ती है, तो कभी एक ही जगह पर ठहरी हुई सी दिखाई पड़ती है। लेकिन मौसम साफ होने के बावजूद भी खाली आसमान में यह रोशनी कहाँ से आती है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। हम आपको बता दें कि इस तरह की अजीब घटना सिर्फ नॉर्वे में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में सन 1940 के बाद से सुनने को मिलने लगी। इसके पीछे के कारण को जानने के लिए वैज्ञानिकों एवं खगोल वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं, जिसके कारण आज भी यह एक रहस्य ही है। नंबर तीन, सॉल्वे फर्थ का एस्ट्रोनॉट। सन 1964 में जिम टेम्पलेटन नामक एक फोटोग्राफर, जो एक स्थानीय इतिहासकार भी थे, उन्होंने अपनी बेटी की एक फोटोग्राफ इंग्लैंड के कम्ब्रिया नामक इलाके में सॉल्वे फर्थ नामक स्थान पर ली थी। लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब यह फोटो डेवलप होकर आई, क्योंकि डेवलप के बाद उस फोटोग्राफ में एक एस्ट्रोनॉट की जैसी आकृति दिखाई दे रही थी, जो उनकी बेटी के ठीक पीछे खड़ी थी। जबकि जिम का यह दावा था कि फोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। इस फोटोग्राफ को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, जिसके कारण इसे रहस्यमयी घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया गया था। आखिर वह एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति कहाँ से आई, इसका रहस्य अभी भी अनसुलझा है। नंबर चार, समुद्री तट पर पाए गए कटे हुए पैर। 20 अगस्त सन 2007 को ब्रिटिश कोलंबिया के सैलिस सागर के समुद्री तट पर कटे हुए इंसानी पैर पाए गए। अनुमानतः यह बताया गया कि यह पैर समुद्र में हुए किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्री प्लेन क्रैश से मारे गए व्यक्तियों के हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही की पहचान हो सकी थी। दूसरा अनुमान यह था कि इन दिनों क्वाड्रा आइसलैंड में हुए एक प्लेन क्रैश में 4 लोग मारे गए थे, तो हो सकता था यह उनके ही पैर हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पैरों पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं थे, लेकिन इन पैरों को देखने पर उन लोगों के साथ हुए टॉर्चर और मर्डर की घटनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसका रहस्य क्या है, यह आज भी नहीं सुलझ सका है। नंबर पाँच, ब्लैक दाहिला मर्डर केस। ब्लैक दाहिला मर्डर केस लॉस एंजलिस के सबसे पुराने और अनसुलझे मर्डर केसों में से एक माना जाता है। दरअसल अमेरिका में रहने वाली एक महिला जिसका नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था,
जिसे ब्लैक डाहिला का नाम भी दिया गया था। उसकी हत्या 15 जनवरी सन 1947 को बहुत ही निर्मम तरीके से कर दी गई थी, क्योंकि शार्ट की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और शरीर के सभी अंगों पर घाव थे। उसके होठों को कानों तक चीर दिया गया था, जो देखने में बेहद ही खौफनाक एवं डरावना था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उसकी हत्या किसने की थी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका था, क्योंकि उसकी हत्या के जुर्म को 60 लोगों ने कबूल किया था, जिनमें से अधिकतर पुरुष ही थे। लेकिन किसी को भी इस घटना के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया। यह केस अपने समय का बहुत ही चर्चित एवं बेहद ही अजीबोगरीब केस था। इस घटना पर द ब्लू डाहिला नाम की एक मूवी भी बन चुकी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।